वेलकम बैक टू माय चैनल कुक सुख विद श्वेता। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर बेबी कॉर्न। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेबी कॉर्न को मैं धुल ली हूँ। चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसे दो दो पार्ट में मैं काटूंगी। सभी को मैं काट ली हूँ। अब मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पानी में थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ। सभी कॉर्न को मैं इसे डाल दे रही हूँ। इसमें इसे मैं 4 से 5 मिनट तक बॉईल करूंगी। मैं इसे बॉईल होने देती हूँ। छान ली हूँ। अब मैं इसमें 3 चम्मच मैदा डालूंगी। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आधा चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च मुझे ऊपर से भी इसमें मिक्स करनी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं ढक करके रख दे रही हूँ। मैरिनेट अच्छे से हो जाए। 5 मिनट हो गया। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई में मैं तेल को डाल दे रही हूँ। मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ऐसे ही सारे मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। पहले मैं देखती हूँ ये कितनी क्रंची। आप देख सकते हैं कितनी क्रंची हुई है फ्राई। इसमें मैं नमक और ब्लैक पेपर डाल दी हूँ। और ये बेबी कॉर्न को मैं दूसरी बार भी फ्राई कर ली हूँ। बेबी कॉर्न बिल्कुल क्रंची हो गया है। अब इन सभी को मैं डाल करके मिक्स कर दूंगी। ये मसाले मिक्स हो चुके हैं। चलिए मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। प्लेटिंग कर ले रही हूँ।
सारे मसाले को थोड़ा सा डाल देते हैं। मेरा बेबी कॉर्न रेडी हो गया है, ब्लैक पेपर शर्ट बेबी कॉर्न रेडी हो गया है। और हाँ, अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।